नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरके स्टडी चैनल पर। आज आपके लिए जो 15 अप्रैल 2019 को बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित न्यूज है। तो दोस्तों 25 अप्रैल तक जारी हो जाएगी बीएड की आंसर की। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त परीक्षा के बाद अब जो मूल्यांकन की तैयारी की जा चुकी, विश्वविद्यालय प्रशासन 25 अप्रैल तक प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी करने की तैयारी में है। 15 मई तक रिजल्ट और फिर 1 जून से काउंसलिंग शुरू कराने का भी लक्ष्य रख दिया है। सोमवार को जो प्रवेश परीक्षा हुई थी बीएड की, उसमें 6,09,209 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें से 5,66,400 युवक युवतियों ने परीक्षा दी है। मंगलवार को सभी जिलों ट्रक में भर के कापियाँ जो है MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय पहुँचाई जा रही है। अब क्या होगा कि बीएड का जो प्रवेश परीक्षा हुआ है उसकी मार्कशीट स्कैन करने की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को दी गई है, एजेंसी स्कैन का रिजल्ट तैयार करेगा और रुहेलखंड विश्वविद्यालय जल्द इसकी एजेंसी की चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस हिसाब से तो आपको जो बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल को आपका आंसर किया जाएगा, 15 मई को रिजल्ट आ जाएगा और 1 जून से काउंसलिंग हो जाएगी और आपका जो काउंसलिंग के बाद फिर कॉलेज चयन प्रक्रिया सेलेक्ट की जाएगी, फिर आपको कॉलेज अलाट कर दिया जाएगा। इस हिसाब से बीएड का जो प्रोग्राम है वो जारी कर दिया गया है आज के पेपर में। दोस्तों आप अपने आय जाति जो है 6 महीने के अंदर रहना चाहिए, इसलिए उसको बना के तैयार रखे रहिए क्योंकि इस समय काफ़ी भीड़ भी हो जाती है, तो इस ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप अपने काउंसलिंग की तैयारी अच्छे से करे रहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।